हाय दोस्तों, मैं युवराज कटारे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्रीराम गैरेज। ये जेसीबी 3DX मशीन है, ये न्यू मॉडल का मशीन है, 49 HP वाला है। तो इसका अभी हम जो इंजन फाउंडेशन है उसको चेंज करने वाले हैं। तो इंजन फाउंडेशन चेंज करने के लिए क्या क्या खोलना है, बहुत शॉर्टकट में इसका इंजन फाउंडेशन चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये सिर्फ जो हमारा फैन के ऊपर जो पत्रा लगा हुआ है, सिर्फ ये पत्रा हमें खोलना है। ये देखिए, ये पत्रा का जो बोल्ट लगा हुआ है, ये ऊपर भी यहाँ पे एक बोल्ट रहता है और साइड में जो बोल्ट रहते हैं उतने सिर्फ बोल्ट खोल लेना है। ये देखिए, साइड के बोल्ट हमने खोल लिए, इसको 13 के 4 बोल्ट एक साइड रहते हैं, दोनों साइड मिला के 8 बोल्ट लगे हुए रहते हैं 13 के। ये देखिए, ये सभी खोल लिया हमने, ये अभी फ्री हो गया है। और उसके बाद ये ऊपर का जो हॉस पाइप है हमारा, बस ये खोलना है, बस इतना खोलना है। इतना खोल के हमारा फाउंडेशन चेंज हो जाएगा। ये पाइप निकाल लिया हमने, पाइप भी हमारा निकल गया है अभी। ये देखिए, अभी हम ये पहले 24 के बोल्ट खोल लेंगे फाउंडेशन के। ये 24 के बोल्ट खोल लेना है, दोनों ऊपर से पकड़ के रखना है, नीचे से खुल जाएगा। अभी मशीन है हमारे पास, तो मशीन से फटाफट ये खुल गया है, तो अभी इसको निकाल लेंगे बाहर। इसी तरह से दोनों साइड का खोल के 24 का बोल्ट पहले बाहर निकाल लेना है। ये देखिए, 24 के बोल्ट हमारे बाहर निकल चुके हैं। अभी यहाँ पर चैम्बर पर जैक लगाना है। तो चैम्बर पर जैक लगाते वक्त याद रखना है, यहाँ पर ऊपर के साइड इसमें लकड़ा रखना है। ये चैम्बर देख सकते हैं आप, ये पहले ही अंदर से दबा हुआ है, क्योंकि ये चैम्बर पतरे का आता है, अगर नीचे से कुछ भी लगेगा तो ये दब जाता है। तो ये दबा हुआ ही है, लेकिन फिर भी हम इसको लकड़ा रख के ही उठा रहे हैं। ऊपर लकड़ा अगर रख लेते हैं तो ये पतरा कभी दबेगा नहीं, तो ऊपर लकड़ा रख के ही इसको ऊपर उठाना है। ये देखिए, ऊपर उठ चुका है। तो अभी हम पहले ये 16 के जो बोल्ट है इसको खोल लेंगे। एक फाउंडेशन को ये 4 बोल्ट रहते हैं, तो ये चारों बोल्ट खोल लेंगे। बोल्ट खोल के हमारा फाउंडेशन बाहर आ जाएगा। ये देखिए, चारों बोल्ट खोल के ये फाउंडेशन बाहर आ जाएगा, इसको निकाल लेना है बाहर। ये पुराना वाला फाउंडेशन हमारा निकल चुका है बाहर। ये इसका पार्ट नंबर है, ये देखिए, आप अगर चाहिए आपको तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और ये है नया फाउंडेशन, तो अभी हम ये नया फाउंडेशन बिठा लेते हैं। ये इस तरह से आएगा, पोजिशन इसका यही रहेगा। तो अभी पहले इसको अंदर डाल लेते हैं, और अंदर डाल के फिर पहले हम इसके 16 के बोल्ट, ये देखिए ये 16 के बोल्ट है, ये सभी बोल्ट लगा के इसको टाइट कर लेंगे। ये देखिए, 4 बोल्ट आते हैं, चारों बोल्ट लगा के, ये देखिए चारों बोल्ट हमारे आ चुके हैं। अभी इसको नट लगाएंगे और टाइट कर लेंगे। ये देखिए, चारों को नट लगा लेना है नीचे से, और फिर इसको कर लेना है टाइट। ये देखिए, इस तरह से मशीन है हमारे पास, तो मशीन से फटाफट हो जाता है। ये हो गए टाइट। अभी ये दूसरी तरफ का है, इसको भी निकाल लेंगे। खोल लिया था हमने, ये देखिए ये चारों बोल्ट खुल चुके हैं हमारे। अभी फाउंडेशन को निकाल लेंगे बाहर, और फाउंडेशन बाहर निकाल के नया फाउंडेशन डाल लेंगे। ये देखिए, फाउंडेशन हमारा बाहर आ चुका है, अभी नया फाउंडेशन डाल लेंगे। ये नया फाउंडेशन है हमारा, जैसे निकाला वैसे ही इसको भी डाल लेंगे। ये देखिए, इसको अंदर बिठा लेना है, और फिर वो जो 16 के बोल्ट हमने खोले थे, ये 16 के चारों बोल्ट लगा लेंगे। ये चारों बोल्ट लगा के पहले ये चारों बोल्ट अच्छे से टाइट कर लेना है, उसके बाद जैक को डाउन करना है। 16 के बोल्ट टाइट कर लेने के बाद जैक को डाउन कर लेना है। डाउन करने के बाद होल मैच कर लेना है। होल मैच करके फिर हमारा जो 24 का बोल्ट है, वो 24 का बोल्ट डाल लेना है ऊपर से। ये देखिए, होल अभी हमारा मैच हो चुका है, तो इस तरह से इसको डाल देना है। ये बोल्ट हमारा लग चुका है, अभी इसको नीचे से नट लगा लेंगे। ये देखिए, वाइसर, बड़ा वाइसर नीचे आता है, इसको बड़ा वाइसर लगा के इसको नट लगा के इसको फिर टाइट कर लेना है। ये देखिए, दूसरी तरफ का भी वैसे ही बोल्ट डाल के नीचे से ये बड़ा वाइसर ऊपर लगेगा, बड़ा वाइसर लगा के फिर ये नट लगा देना है। इस तरह से लगा के फिर इसको टाइट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से ये टाइट हो जाएगा। और उसके बाद फिर अभी हमने जो पाइप खोला था, तो ये पाइप पहले फिट कर लेते हैं। ये पाइप हॉस पाइप है हमारा, जो हमने ऊपर का हॉस पाइप खोला था, तो इसको बिठा के टाइट कर लेंगे। इसको टाइट करने के बाद जो पतरे के जो बोल्ट खोले थे हमने, इसको सबको फिट कर लेते हैं। अभी वीडियो बनाने के लिए कोई था नहीं हमारे पास, तो थोड़ा अब इसको पूरा फिट करके बता देते हैं। ये देखिए, इधर से हमने इसको लगा दिए है। 4 बोल्ट आते हैं 13 के, ये इस तरह से ब्रैकेट इसके लगते हैं। तो ये चारों बोल्ट, दोनों साइड में 4-4 बोल्ट आते हैं, 8 बोल्ट लगते हैं। इस तरह से इसको फिटिंग कर सकते हैं, फाउंडेशन चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।